नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन और हाइजिन मतलब हो जाता है अपना पोषण आहार पोषण और स्वच्छता ठीक है तो इसका टॉपिक हो जाएगा जो पार्ट रहने वाला है आज वो हमारा रहने वाला है अपना पार्ट नंबर रहने वाला है एट इससे पहले मैंने पार्ट कितने तक वीडियो के सेवन पार्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में देखा है लिंक फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन

ये देखा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब हो जाएगा आपकी अवधारणा और रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता फूड क्या ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन ठीक है fraction, fraction, uh, children, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों के विकास को आवश्यक बच्चों के विकास के लिए आवश्यक जो कारक हो जाते हैं वो यहाँ पर देखें इस प्रकार से यूनिट थ्री के अंतर्गत यूनिट थ्री के ए के अंदर ठीक है कॉन्सेप्ट और रिक्वायरमेंट फैक्टर ठीक है ठीक है ना थोड़ी गड़बड़ कहानी है हम फैकड़ कर देंगे ये थोड़ी सी वीक है अपनी ये कांसेप्ट रिक्वायरमेंट और यहाँ पर जाएगा तो फैक्टर एक्टर इफेक्ट इफेक्टिंग थेक्ट। ग्रुप

नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम बबलू राम पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं फूड न्यूशन हाइजीन का पार्ट नंबर जो रहने वाला है एट कौन सा होगा भाई पार्ट नंबर जो रहने वाला है वो अपना हो जाएगा एट इससे पहले सेवन पार्ट आपको प्रोड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में देखा है सातों वीडियो का लिंक वहां जाके आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? या आप चैनल पे चलाइएगा प्ले में आपको मिल जाएगी बात करते हैं आज हमारा जो हो जाएगा पार्ट एट इसमें यूनिट हमारी थ्री स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो बात करते हैं अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कहा मिलेगी भाई टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है टेलीग्राम का वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जिस किसी को भाई बिल्कुल बिना पे कह चाहिए ठीक है तो उन्हें कहा मिल जाएगा उनके लिए मिल जाएगा भाई ऐप ठीक है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो लोग फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं और जो लोग भाई पे करना चाहते हैं आराम से निकालना चाहते हैं तो उन्हें कहा मिलेगी भाई पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर वहां पर जाके आप आराम से ले सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं यहाँ पर हंड्रेड डेज न्यूटन्स की बात करते हैं तो ये हमारा यूनिट फ्री का है वो ए कौन से क्या कह रहा है ये करा है कॉन्सेप्ट मतलब आवश्यक कॉन्सेप्ट ठीक है अवधारणा रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता और फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर क्वेश्चन नंबर वन का सभी लोग आंसर दीजिएगा यहां पर क्या आंसर रहने वाला है ठीक है थोड़ा बड़ा करते हैं

नहीं होती है बीस से बाईस इंच होती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है जो शिशु है उसके लिए सर्वोत्तम आहार क्या माना जाता है आपको बताना है फल बा शहद दाल का पानी दलिया या फिर माता का दूध तो सभी को होगा बता कौन सा तो माना जाता है भाई माता का दूध सर्वोत्तम माना जाता है सिक्स मंथ तक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नवजात शिशु को दूध देना चाहिए माता का दूध गाय का दूध भैंस का दूध या फिर बकरी का दूध ये भी बिल्कुल इजी है किसके लिए आइए भाई माता का ही दूध चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माता का दूध पर्याप्त ना होने पर शिशु को निम्न में से किसका दूध देना चाहिए अगर माता का दूध पर्याप्त नहीं है तो भाई क्या करेंगे डिब्बे का दूध गाय का दूध कृत्रिम दूध या फिर बकरी का दूध क्या देना चाहिए आपको बताना है माता का दूध पर्याप्त तो ना हो तो उसे देना चाहिए उससे सू के लिए गाय का दूध राइट आंसर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन माता के दूध में पाया जाता है बसा, बसी, आ, खाने जो माता के दूध में पाया जाता है फैट भी पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा खनिज और विटामिन भी मिलेंगे तो क्या राइट आंसर जाएगा उपयुक्त तो सभी रहने वाला है ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉम अधिक मात्रा में होता है किसमें होता है विटामिन ए में विटामिन बी में बिटा... आ, खनिज में या फिर लोहा तत्व में तो कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो अधिक मात्रा में किसमें होता है आपको बताना है तो किस में होगा भाई रेटेनोल में हो जाएगा विटामिन ए में जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गाय के एक लीटर शुद्ध दूध में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जो गाय का शुद्ध दूध होता है उसमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एक लीटर दूध के अंतर्गत तीन सौ सात या फिर आठ तो राइट आंसर क्या होगा भाई 600 प्राप्त होती है जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सा आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर शिशु को कृत्रिम आहार देना चाहिए रोग रोग हो माता को तब देना चाहिए या फिर दूध सूख गया हो स्तनों का कोई रोग हो या फिर ये सभी में शिशु को कृत्रिम आहार देना चाहिए कब देना चाहिए आपको बताना है रोग रोग हो माता को तब आ, तब कृत्रिम आहार देना चाहिए ठीक है और अगर दूध सूख जाए तब देना चाहिए और हो जाता है स्तनों को अगर कोई रोग हो जाता है स्तनों में तब देना चाहिए तो राइट आंसर क्या जाएगा यह सभी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है जो माता का दूध होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है लैक्टोज फैक्टोज सरकरा विटामिन तो माता के दूध में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है लैक्टोज के रूप में मिलता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है जो दूध है उसमें पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है प्रोटीन कैल्शियम विटामिन विटामिन ए सी दूध में तत्व नहीं पाया जाता है प्रोटीन तो पाए जाते हैं कैल्शियम भी होता है विटामिन ए भी होता है मगर विटामिन सी नहीं होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सस अवस्था में सर्वाधिक महत्व किसका है व्यायाम का है पोषण का है भूख का है या फिर भोजन का है तो सैस अवस्था जो होती है बच्चे की अवस्था उसमें कह रहे हैं व्यायाम का होता है पोषण का भूख का या फिर भोजन का तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई पोषण चाहिए बच्चों क्या चाहिए भाई पोषण चाहिए तो सहस अवस्था जो होती है उसमें सर्वाधिक महत्व किसका होता है पोषण का होता है आगे देखते हैं एक वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए 20 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम या फिर 35 मिलीग्राम तो राइट आंसर क्या होगा एक बस तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए कितने चाहिए भाई पैंतीस मिलीग्राम देना चाहिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आहार में निम्न में से किसकी कमी से ब्राल्यावस्था सॉरी बाल्यावस्था होगी यहां पर ब्राल्यवस्था थोड़ा सा पॉइंट लग रहा है कोई बात नहीं ठीक है तो यहां पर बाल्यावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति मंद पड़ जाती है आहार में निम्न में से किसकी कमी से बाल अवस्था में वृद्धि एवं विकास की गति मंद पड़ जाती है कैलोरी प्रोटीन बसा विटामिन तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट आंसर दीजिएगा आपको पता है बच्चों क्या चाहिए भाई ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए राइट आंसर जिसकी खोज की थी मुल्डर ने किसने की थी भाई मुल्डर ने इसकी खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अस्थियों एवं दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला खनिज कौन सा है अस्थियों और दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला खनिज तत्व कौन सा है कैल्सियम लोहा लबड़ खनिज या फिर फास्फोरस तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है सुदृढ़ बनाने वाला जो खनिज तत्व तो हो जाता है वो हो जाता है कैल्सियम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंडा पालक मेथी बथुआ में सर्वाधिक कौन सा खनिज तत्व तो पाया जाता है अंडा पालक मेथी बथुआ में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है लोहा लोहा लब, लबड़ कैल्शियम नियन या फिर आयोडीन तो राइट आंसर क्या होगा तो यहां पर क्या पाया जाता है अंडा पालक मेथी बथुआ में इसमें सर्वाधिक मात्रा में, में लोहा पाया जाता है आगे बढ़ते हैं हिमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है जो हिमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है उसमें किसकी उपस्थिति आवश्यक है नियोसिन की कैल्सियम की लोहो लबड़ की या फिर आयोडीन की तो हिमोग्लोबिन में क्या होता है हिम लोहा होता है ना राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा लोहे लबड़की हो जाएगी ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कह रहा है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग हो जाता है तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है बेरी बेरी रेकेट स्कर्बी इनमें से कोई नहीं तो कौन सा हो जाएगा भाई विटामिन बी बी वन से होता है स्कर्बी सी से हो जाता है रेकेट किससे होता है विटामिन डी से होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पूर्व वाल्यावस्था का समय है पूर्व बाल्यावस्था का समय है जीरो से दो वर्ष दो से चार वर्ष दो से पांच वर्ष दो से छ वर्ष पूर्व बाल्यावस्था की यहां पर बात हो रही है ध्यान से पढ़ना पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वह होता है दो से छ वर्ष राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा निम्न में से किस में लोहो लवण प्राप्त नहीं होता है निम्न में से किस में लोहो लवण प्राप्त नहीं होता है बथुआ पालक दूध या फिर कलेजी तो राइट आंसर क्या होगा जो लोह लबड़ प्राप्त नहीं होता है वो नहीं होता है पालक से ठीक है पालक में हमें क्या नहीं मिलता है लोह लबड़ नहीं मिलता है लबड़ तो लोह लबड़ प्राप्त नहीं होता है पालक में तो लोहा होता है भाई बथुआ में भी होता है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो जाता है भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि पालक में तो होता है ठीक है बथुआ में भी होगा दूध में भी हो सकता दूध में तो लोहा लोहा दूध में लोहा नहीं होगा है ना लोहा हो सकता है दूध में तो यार तो यहाँ पर कलेजी कलेजी में तो लोहा होता है भाई मांस खाओगे तो है ना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई यहां तो दूध दे रखा है मतलब दूध तो में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं इसको देख लेको तो याद रखना ठीक है कि दूध में नहीं होता है कलेजी में होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है प्रोटीन फल हरी सब्जियां या फिर बसा अभी देखा था हमने कौन है प्रोटीन आवश्यक है आगे देखते हैं कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फल दूध मछली या फिर पालक तो सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कहाँ होगा भाई दूध में देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं बच्चों को आहार देना चाहिए मसाला रहित तला भुना या अधिक रेसे युक्त राइट right आंसर क्या होगा आपको बताना है बच्चों को आहार देना चाहिए मसाला रहित जिसमें मसाले ना हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है किस में शिशु के वजन को उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाकर अंकित किया जाता है जन्म चार्ट वृद्धि चार्ट वृद्धि चार्ट या फिर हो जाता है अपना स्वास्थ्य चार्ट इसमें शिशु के वजन को उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाकर अंकित किया जाता है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फटाफट आंसर दीजिएगा जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है वृद्धि चार्ट ये वाला ये वाला नहीं होगा बुद्धि चार्ट वृद्धि चार्ट होगा ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है शिशु के जन्म जन्म के बाद किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष या फिर एक सही एक बेटा दो वर्ष या फिर एक बेटा दो वर्ष तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट आंसर दीजिएगा तो शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है तो वह होती है प्रथम वर्ष के अंतर्गत राइट right आंसर ऑप्शन नंबर आर आने वाला है आगे बढ़ते हैं शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए होती है शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए होती है वसा प्रोटीन विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए होती है तो वह हो जाएगा भाई प्रोटीन की मात्रा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जन्म के समय शिशु के सिर का माप होता है जब जन्म होता है बच्चे का उस समय उसके सिर का जो माप होता है कितना होता है तैतीस सेंटीमीटर चालीस सेंटीमीटर अट्ठाईस सेंटीमीटर या फिर चौबीस सेंटीमीटर जन्म के समय जो शिशु के सिर का माप होता है वह होता है तैतीस सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई होती है जब जन्म होता है उस समय शिशु के शरीर की लंबाई कितनी होती है वह आपको बताना है 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर या फिर 55 सेंटीमीटर तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट right आंसर अपना रहने वाला है ठीक है फटाफट आंसर दीजिएगा कौन सा राइट होगा अगर इंच की बात करता है तो वह कितनी होती है 20 से 22 इंच होती है है ना 20 से 22 इंच होती है जन्म के समय शिशु की लंबाई अब वो कह रहा है यहां पर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लगभग कितनी होती है 50 सेंटीमीटर होती है कितनी होती है भाई 50 सेंटीमीटर होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अगर वैसे करता है इंच की बात करता है तो बीस से बाईस इंच ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार साल की अवस्था में शिशु की लंबाई उसके जन्म की लंबाई की कितनी आ, कितनी होती है ये आपको बताना है चार साल की अवस्था में जब बच्चा चार साल का होता है तो उसकी अवस्था में शिशु की लंबाई उसके जन्म की लंबाई की कितनी गुनी होती है यह आपको बताना है चौगुनी दो गुनी पांच गुनी या फिर तीन गुनी तो राइट आंसर हो जाएगा भाई होती है ठीक है कितनी होती है दो गुनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु का आहार संपूर्ण प्रकार कैसा होना चाहिए असंतुलित आहार पौष्टिक आहार मसाले युक्त आहार इनमें से कोई नहीं तो शिशु का आहार संपूर्ण प्रकार से कैसा होना चाहिए भाई पौष्टिक आहार होना चाहिए इसमें सारे पोषक तत्व नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है क्या पाई जाती है बसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो वह पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स क्या पाई जाती है भाई कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संतृप्त बसीय अम्ल है संतृप्त बसीय अम्ल कौन सा है कैप्रिक एसिड मूंगफली तेल ओलिव आ, ओलिव ओलई या फिर इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है तो संतृप्त बसी अम्ल जो है वो कौन सा हो जाएगा कैप्रिक एसिड हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई कैप्रिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 100 ग्राम माता के दूध में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है सौ ग्राम माता के दूध में कैल्शियम की के कितनी मात्रा होती है जीरो पॉइंट तीन ग्राम एक ग्राम जीरो आठ ग्राम तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है सौ ग्राम माता के दूध में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह जीरो पॉइंट तीन ग्राम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सहसावस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या होता है सहसा अवस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या होता है दूध दाल का पानी दालों का रस या फिर रोटी अवस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या होता है वह होता है दूध क्या होता है भाई दूध होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की आवश्यकता बालक के किस अंग को प्रभावित करती है विटामिन ए की जो आवश्यकता होती है वो बालक के किस अंग को प्रभावित करती है चेहरे का रंग आंतरिक अंगों को या फिर पाचन शक्ति को या फिर हो जाता है शारीरिक भार को तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा विटामिन ए की आवश्यकता बालक के किस अंग को प्रभावित करती है तो शारीरिक भार को प्रभावित करती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है आगे बढ़ते हैं कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है दस परसेंट सत्रह परसेंट पंद्रह परसेंट या फिर बीस परसेंट कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वह प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है तो वह हो जाता है भाई दस परसेंट भाग हम प्रोटीन से प्राप्त करते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने हैं मछली के यकृत का तेल बच्चे में किस विटामिन की पूर्ति करता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी मच्छी के जो यकृत होता है उसके जो तेल होता है वो बच्चे की किस विटामिन की पूर्ति करता है तो वह विटामिन डी की पूर्ति करता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों को प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है बच्चों को प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है पचास मिलीग्राम बीस मिलीग्राम चालीस मिलीग्राम या फिर दस मिलीग्राम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई चालीस मिलीग्राम आवश्यकता होती है विटामिन सी की नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पर एक से तीन वर्ष की आयु तक कितनी कैलोरी दी जाती है एक से तीन वर्ष की आयु तक कितनी कैलोरी दी जाती है आपको बताना है अस्सी कैलोरी बॉडी के लिए वेट की बात कर रहा है अगले ठीक है बॉडी बॉडी वेट ठीक है अस्सी कैलोरी किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट या फिर पिचानबे किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट या फिर पचहत्तर किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट या फिर रखा है सौ किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है एक से तीन वर्ष की आयु तक कि कितनी कैलोरी दी जाती है तो वह हो जाती है अपनी नब्बे पांच पिछले नाइन फाइव किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार पिचानबे किलो कैलोरी प्रति बॉडी वेट ठीक है आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है से वर्ष के, के बच्चों को कितना प्रोटीन देना चाहिए ग्राँग, ग्राँग, ग्राँग एक से वर्ष के बच्चों को कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो वो देना चाहिए भाई, 22 ग्राम right इससे बीच में निकाल लीजिएगा दो तो दो से क्या है बाईस बन जाएगा ठीक है आगे देखते हैं यहां पर बाल्यावस्था में कितना लोहा देना चाहिए एक से तीन वर्ष की आयु में ठीक है 22 ग्राम 22 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम या फिर 30 मिलीग्राम राइट आंसर क्या होगा बाल्यावस्था में कितना लोहा देना चाहिए एक से तीन वर्ष की आयु तक के लिए तो वो हो जाता है भाई 12 मिलीग्राम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को कैरोटीन कितना देना चाहिए बच्चों को जो कैरोटीन होता है कितना देना चाहिए आपको बताना है सत्रह माइक्रोग्राम सोलह माइक्रोग्राम उन्नीस सौ माइक्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं बच्चों को जो कैरोटीन होता है वह देना चाहिए सोलह सो माइक्रोग्राम राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रभावित करते हैं कौन करते हैं बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं ग्रंथियां वातावरण या फिर ये सभी तो बच्चों को प्रभावित करने का कार्ड कौन करते हैं बंसान, बंसा बंसानुक्रम भी होता है जो डीएनए पर जो कोड होता है डीएनए पर जो कोड होता है जो उसके इंफॉर्मेशन मिलती है उसी प्रकार से क्या होता है बच्चे की ग्रोथ होती है ठीक है अगर उसके लिए कुछ पोषक पोस्ट मिल भी जाते हैं तो डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है मगर फिर भी उतना परिवर्तन नहीं हो पाता जो कि बच्चा बहुत ही लंबा हो जाए ठीक है ये डीएनए के थ्रू भी होता है कुछ डीएनए अगर माँ का अलग है और पिता का अलग है तो डीएनए अलग प्रकार से बनता है तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है ठीक है मगर जो डीएनए होता है जितनी ग्रोथ होती है वो डीएनए पर निर्भर करती है क्या जाएगा वंशानुक्रम हो जाएगा और अंता स्थापित ग्रंथियों के द्वारा भी हो जाता है मैंने भी बताया था आपके लिए और बातावर की परिस्थिति के अनुसार भी वृद्धि होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सभी मगर ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है वंशानुक्रम पर पर डीएनए ही होते हैं कोड ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है वृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं रोग व धूम्रपान हार्मोन्स का प्रभाव लिंग भेद ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं तो वृद्धि को कौन करेगा रोग धूम्रपान करोगे तो भी होगी हार्मोन्स के प्रभाव कम होंगे तो हो जाएगा लिंग में भेद होंगे तो हो जाएगा तो राइट आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा ये सभी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए देखिएगा कह रहा है भोजन बा भोजन बा माता का स्वास्थ्य बच्चे के क्या करता है क्या यार स्वास्थ्य बच्चे के क्या करता है भोजन बा माता का स्वास्थ्य बच्चे के क्या करता है मतलब बच्चे के लिए क्या करता है वृद्धि को प्रभावित करते हैं संतुलित करते हैं नकारात्मक बुद्धि वृद्धि करते हैं या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर देना है आपके लिए तो भोजन अगर भोजन है तथा तो भोजन बा माता का स्वास्थ्य अगर माता का स्वास्थ्य है तो बच्चे को क्या होगा वृद्धि को प्रभावित करेंगे बिल्कुल अगर प्रॉब्लम है तो करेंगे संतु, संतुष्ट करेंगे बिल्कुल करेंगे नकारात्मक वृद्धि भी कर सकते हैं तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा अगर भोजन सही नहीं मिलेगा और माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ कह रहा है मदपान व धूम्रपान से बच्चों की वृद्धि पर क्या असर होता है मदपान व धूम्रपान से बच्चों की वृद्धि पर क्या असर होता है बढ़ जाएगी बराबर रहेगी रुक जाएगी इनमें से कोई नहीं अगर मदपान व धूमपान से बच्चों की वृद्धि पर क्या असर पड़ेगा भाई वृद्धि जो होगी वह रुक जाएगी तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा माता को बच्चे के प्रति नहीं होना चाहिए जायदा संवेदनशील ध्यान रखना अच्छा व्यवहार इनमें से कोई नहीं माता को बच्चे के प्रति नहीं होना चाहिए ज्यादा संवेदनशील तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके सही कार्य ना करने पर वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है किसके सही कार्य ना करने पर वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है मतलब हो जाएगा हेलो हैल, हेलो या फिर हो जाता है पिट्यूटरी और बात दोनों या फिर ये सभी किसके कार्य ना करने पर वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है हेलोथेलेमस जो जो हो हो जाएगा ये भी हो जाएगा भी और अपना पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी तो दोनों की दोनों की क्या है राइट हो जाएगा और वह दोनों यहां पर सही रहने वाला है आगे बढ़ते हैं किसकी सक्रियता का प्रभाव मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाओं पर पड़ता है किसकी सक्रियता का प्रभाव मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाओं पर पड़ता है थाइराइड ग्रंथि का थाइमस ग्रंथि का दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं तो कौन सा राइट होगा भाई इसकी सक्रियता का प्रभाव मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाओं पर पड़ता है तो वह हो जाएगा भाई थायराइड ग्रंथियों का ठीक है थायराइड ग्रंथि का असर मस्तिष्क पर देखने को मिलता है आगे बढ़े हैं यहां पर शारीरिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है शारीरिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कौन होता है थारॉयड ग्रंथि एंडोक्राइन ग्रंथि दोनों ग्रंथियां कोई ग्रंथि नहीं तो होता है शारीरिक परिवर्तनों शारीरिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कौन होता है एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं मूझ वगैरह निकलना ठीक है इस प्रकार से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है लड़के बाद लड़की की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स हैं एड्रोजन एस्ट्रोजन और दोनों राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है लड़के के लिए क्या होगा एस्ट्रोजन लड़की के लिए क्या होगा एंड्रोजन तो यहाँ पर दोनों की दोनों राइट हो जाएंगे आ और बात हो। यहाँ क्या होगा राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता है उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता क्या है आपको बताना है पुष्टता कम थकान कर्मठता ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता क्या है शारीरिक हृष्ट पुष्ट होना पुष्टता होनी चाहिए कम थकान होनी चाहिए कर्मठता होनी चाहिए उसके अंदर तो राइट आंसर सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तम पोषक कहते हैं उत्तम पोषक किसे कहते हैं आपको बताना है उत्तम पोषक कहते हैं कुपोषण कुपोषण या फिर उपचारात्मक उपचारात्मक आहार तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है उत्तम पोषक कहते हैं उत्तम पोषण किसे कहते हैं सुपोषण को उत्तम पोषण कहते हैं उत्तम पोषण किसे कहते हैं सुपोषण को कहते हैं इंपोर्टेंट है, है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से शरीर के निरोगता से शरीर की पुष्टता से या फिर अच्छी आदतों से स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए इन सब के लिए तो अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए भी समाज के लिए भी राष्ट्र के लिए भी तो इन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या खाने से पेट में ऐठन नहीं रहती अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है समाज के लिए क्यों है यह बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है समाज के लिए व राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों है यह कमेंट बॉक्स में बताना है क्या खाने से पेट में ऐठन नहीं रहती जंक जंक खा खाने से या फिर तले खाग या फिर रे से या फिर परिष्टकृत अनाज खाने से राइट आंसर क्या होगा आंसर दीजिएगा क्या खाने से पेट में ऐठन कह सकते हैं पेचिज वगैरह हो होती है क्या खाने से नहीं होती भाई रेशे खाने से नहीं होती ठीक है पेट क्या होता है साफ हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु का आहार संपूर्ण प्रकार से कैसा होना चाहिए शिशु का जो आहार है वो संपूर्ण प्रकार से कैसा होना चाहिए हल्का बा खराब पौष्टिक और बा दोनों इनमें से कोई नहीं तो कैसा होना चाहिए भाई पौष्टिक होना चाहिए इससे पहले भी क्वेश्चन देख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहस अवस्था में अधिक आवश्यकता होती है सहस अवस्था में अधिक आवश्यकता किसकी होती है विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी विटामिन के तो सहस अवस्था में अधिक आवश्यकता किसकी होती है विटामिन सी की होती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो शिशु केवल गाय का दूध पीते हैं उनमें कमी पाई जाती है किसकी कमी पाई जाती है आपको बताना है जो शिशु केवल गाय का दूध पीते हैं उनमें किसकी कमी पाई जाती है विटामिन के विटामिन सी विटामिन बी विटामिन ए तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है विटामिन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाय के दूध में क्या होता है विटामिन ए की कमी होती है ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना दा तो इस प्रकार से आपके जो पार्ट एट होता है ठीक है पार्ट जो एट होता है उसमें हमने क्वेश्चन कितने देखे हैं फिफ्टी एट क्वेश्चन हमने देखे है, ठीके? है, देख हैं ठीक है और सात जो पार्ट है उसमें हमने उससे पहले क्वेश्चन देख रखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सभी वीडियो के देख सकते हैं पार्ट आठ जो होता है समाप्त तो होता है अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर चाहिए और जिस किसी को फ्री में पीडीएफ चाहिए ठीक है तो वो क्या करेंगे ऐप डाउनलोड कर लेंगे आपको कल शाम तक ऐप मिल जाने मिल जाने वाले ठीक है ठीके? तो फ्रेंड्स लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जय हिंद जय भारत